जय महाकाल। नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल आलमिक्स ज्ञान सर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, आपके घर परिवार में हमेशा खुशी मंगल बनी रहे। बहुत सारे कमेंट आए थे व्हाट्सएप में, मैं देख रहा था, उसमें भी बहुत लोगों ने एक मंत्र विद्या के बारे में पूछा था, पैसे की झरन। पैसे की झरन मतलब पैसे की बारिश होना, इसकी साधना विधान क्या है। वैसे तो बहुत लोगों ने सुना होगा, झरन कई प्रकार से किया जाता है और उसके पैसे की बारिश किया जाता है। इसमें जो ओरिजिनल सिद्धि विधान है, इसको हर कोई नहीं बताते, इसको गुप्त रख दिया जाता है। इसके भी एक विशेष कारण है, इसी कारण से इसको नहीं बताया जाता है। और इस वीडियो में आपको संपूर्ण विधि और रियल मंत्र विधान आपको इसे बताया जाएगा, जिससे आप कहीं भी झरण कर सकते हैं। इसके नियम कायदे रहते हैं, इसको बहुत सा हर कोई व्यक्ति पैसे की झरन नहीं कर सकता है। जैसे आपने थंबनेल में देखा और आप सोचते कि नहीं, मंत्र पढ़ेंगे पैसे झरन हो जाएगा, ऐसा नहीं। क्या क्या कारण है, किस किस विधि नियम से होता है, कैसे नियम, पूरा विस्तार से इस वीडियो में बताऊँगा। इस वीडियो को बिना स्किप किए आप देखते जाइएगा, उसके बाद में जैसी ये इस वीडियो देखने के बाद आप वह कार्य कर सकते हैं। चलिए, ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो आज का जानकारी आरंभ करते हैं। यह जानकारी मुझे एक बुजुर्ग द्वारा प्राप्त हुआ था, वह जानकारी आप लोग के समक्ष मैं रख रहा हूँ। झरन जो है कई प्रकार, झरन मतलब पैसे की बारिश। इसमें एक विशेष है कि झरन कई प्रकार से होते हैं। आप लोगों ने, कई लोगों ने भी सुना होगा, आपने भी सुना होगा कि कछुआ से झरन, जिसका 20 नाखून हो, इसका विधि अलग है। सुअर के दंत से, उसके दांत से, उससे भी पैसे की झरन होता है, यह भी आप लोगों ने सुना होगा, इसका विधि विधान अलग है। एक होता है जो हनुमान का सिक्का होता है, उनसे भी पैसे की बारिश होती है, इसका विधान अलग है। हम लोग ग्रामीण क्षेत्र बहुत सारे, मैं खुद अपने आँखों से देखा हुआ हूँ किस हिसाब से कैसे करते हैं, इसलिए ओरिजिनल विधि विधान क्या है ये मुझे जानकारी है। आज मैं आपको लोग बताने जा रहा हूँ वह झरकर प्रक्रिया, किसी प्रकार के मटिया या फिर परेतीन, यदि किसी व्यक्ति ने इसका साधना किया है, इसका विधान किया, वह इसको कर सकता है। इसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले इसको दो व्यक्ति मिलकर करते हैं, इसमें तीन व्यक्ति का आवश्यकता होता है। एक पहले जिसके पास में मटिया परेतीन सिद्ध करके रखा हुआ हो, दूसरा उससे पैसे मंगाने वाला, जो उसको आदेश कर सके, उनको भेज सके और वहाँ पैसा मंगा सके, तीसरा लाए हुए पैसे को स्थापित कर सके, यानी उनको रोक करके रख सके। इस तरह तीन व्यक्ति का आवश्यकता पड़ती है इसमें। अब तीन व्यक्ति के मतलब, किसी किसी को पता है केवल उसके पास मटिया है, लेकिन उसको मटिया परेतीन है, वो झरन करना नहीं जानता, एक हो गया। दूसरा, मैं मंगा सकता हूँ, यदि कोई खड़ा कर दे तो मैं इसको मंगा सकता हूँ, यह जानने वाला। तीसरा है कि दोनों यदि जानता है तो तीसरा ला तो लेंगे, लेकिन इसको मैं रोक नहीं पाऊंगा, वो तुरंत आएगा और चला जाएगा। ये तीन चीज होता है। अब तीनों चीज एक व्यक्ति ही जान जाए तो भी वह अकेला ही कर सकता है। जिसके पास मटिया की सिद्धि है वो ला करके, भेज करके, ला करके उसको स्थापित कर सकता है, उसको रोक सकता है। इस तरह इस तीन विधि से संपूर्ण होता है ये झरन। लेकिन यह कानूनन यह अपराध है, इसको कानून के श्रेणी में यदि है तो आपको बंदिश, आपको बहुत ज़्यादा इसका दंड भुगतना पड़ सकता है कानून की दृष्टि से, क्योंकि ये सही नहीं माना जाता है। लेकिन बहुत लोग हैं जो इसको कार्य करते हैं, आप लोग उसने भी पूछा था, इसलिए मैं आपको यह जानकारी, क्योंकि यह जानकारी आपको और कहीं नहीं मिलेगा, कोई इसको बताएगा भी नहीं, मैं जन ही जन कल्याण के उद्देश्य से, अब यह जानकारी विलुप्त ना हो इसलिए उद्देश्य से आप लोग को बताने जा रहा हूँ। अब चलिए सुनिए, यह तीन आप प्रक्रिया समझ गए, अब आपको झरन प्रक्रिया दिन कैसे करना है। जो व्यक्ति झरन करेगा उस दिन किसी प्रकार का मांस मछली इत्यादि किसी प्रकार से वह सेवन नहीं करेगा, बिल्कुल पूर्ण सात्विक, और उसके मन में लालच ना हो, वो उन पैसों को जनहित जन कल्याण के उद्देश्य से ही उपयोग करें। ये नहीं कि मैं पैसे झरन कर लिया, मैं बंगला लूंगा, गाड़ी लूंगा, कार लूंगा, इस उद्देश्य से यदि कोई व्यक्ति रहेगा तो वो इसमें सफलता नहीं मिल सकता है, ऐसा गुरु जी ने मुझे बताया है, बात सही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो दूसरों के लिए, हित के लिए,
और जग संसार के लिए भला के लिए होना चाहिए, मानसिक होना चाहिए। अब आपको क्या है, एक सफेद कपड़ा आपको लेना है। सफेद कपड़ा चारों कोना में आपको नींबू रख देना है सिंदूर लगा करके, और जिस एकांत रूम हो जहाँ कोई आता जाता ना हो और कोई अंदर प्रश्न, उसको भी लिप पोत करके साफ सुथरा कर लें। फिर उसके बाद में पानी की चौका लगा करके कपड़ा को बिछा लें, चारों कोना में नींबू रख दें और बीच में एक दीपक जलाएं जिसका बाती बीच में हो, जिसे फूल बाती कहा जाता है, और वहाँ पे सुगंधित इत्र, फूल, बंगला पत्ता, लौंग, इलायची इत्यादि रखें। और उसके बाद में अब वहाँ रह करके उस सभी अर्जी विनती करें, ग्राम के देवी देवता, इष्ट देवते सभी का स्मरण करें, अपने कुल पूर्वज का भी पूजन करना अति आवश्यक है, उन्हें पूजन करें, मतलब माता सरस्वती, विष्णु, इन सभी का ध्यान करते हुए, कुबेर महाराज का ध्यान करते हुए, यक्ष का ध्यान करते हुए सभी आशीर्वाद लेकर के उस स्थान में बुलाइए। उसके बाद में आपको वहाँ लेना है और पूजा करके ध्यान करने के बाद, उसके बाद में फिर आगे जो मंत्र बताऊंगा उस मंत्र को आपको एक मंत्र पढ़ते हुए एक नींबू काटना है और निचोड़ देना है। उसके बाद में बस मंत्र पढ़ते जाना है। अब जैसे मंत्र आपको आभास होने लगे, जैसे पीपल का पत्ता सरसर सरसर आवाज होता है, उसी तरह आपको सरसर आवाज जैसे ही सुनाई देने लगेगा आपको वो सारा चीज वहां पे ऐसा लग रहा है कोई ला रहा है आपको स्पष्ट, जो व्यक्ति करेगा उसको पूरा दिखते रहेगा, और जैसे जैसे वो हाथ को ऐसे ऐसे करता जाएगा, ऐसे ऐसे करता जाएगा तो पैसे जो है आने लगते हैं। इस तरह आप कार्य कर सकते हैं, बस इतना ही है इसका। लेकिन आपको पहले ही मैं बताया, जिसके पास में परितीन या फिर मटिया हो तभी आप इसको कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते, इसलिए पहले इसको कर लीजिएगा। लेकिन पैसे बारिश करने के विधान यही है। एक विशेष बात, जब भी आप प्रक्रिया कर रहे हो, निष्फलता का कारण भी बता देता हूं, जब भी आप प्रक्रिया कर रहे हो तो उस स्थान पे सभी व्यक्तियों का नाम होना चाहिए, और जिस व्यक्ति को कुत्ता ने काट लिया हो या फिर उनको हथखड़ी लग चुका हो वह व्यक्ति उस जगह में नहीं होना चाहिए, और सभी लोगों का नाम एकत्रित करके उस सभी नाम को स्मरण करके आप वहां पे यह कार्य कर सकते हैं। दोस्तों यह जानकारी, अब मैं बता देता हूं मंत्र, फिर एक और विशेष बात बताऊंगा। मंत्र इस प्रकार है, टूरी टूरी बाजार गीस उहल लानी चना मुर्रा, आधा खौना परेतीन लदीस, बोर पेड़ में पौना कारी कुआं अंधारी रात, कारी चूरी कारी पाट, ले लान परेतीन खींच खींच पैसा, सुहंग देव बासन पाठ, सुन परेतीन पूरा करो मन की आस, तब जानू सत्य तुम्हार, आज्ञा अवघरदानी शिव शंकर के, वाचा पुरी छू। दोस्तों इसी तरह मंत्र है, इसी मंत्र को आपको प्रयोग करके पैसे की झरन करना है। हाँ, एक विशेष बात, अब आपको इसको सिद्ध करने के लिए, तो सिद्ध करने की विधि और प्रयोग कब करना है ये विधि सुन लीजिए। सिद्ध करने के लिए पूर्णिमा के दिन इस मंत्र को सिद्ध कर लीजिएगा, इसको 108 बार जप करके सिद्ध कर लीजिएगा। इसको पूर्णता सिद्धि करने के लिए 21 दिन का अवधि का समय लगता है। आपको 21वां दिन पूर्णिमा का दिन होना चाहिए, 21 दिन के पूजन करें उसके बाद में ही आप कार्य कर सकते हैं। इसको जब भी आप कभी भी झरन कर रहे हो तो आप नक्षत्र को जरूर देख लें, शुभ दिन तिथि को देख लें, ज्यादातर पूर्णिमा के दिन ही इसको झरन का प्रक्रिया वो कार्य करते हैं, यह है। तो इस बात को विशेष ध्यान रखें। हाँ, यह जानकारी बताने में यदि किसी प्रकार का आपको समझ ना आया हो तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका आंसर जरूर दे दूंगा। और इसी तरह के वीडियो आप लोग को इस चैनल में मिलते रहेगा, इसलिए आप यदि चैनल आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल बेल का नीचे प्रेस कर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। आने वाली वीडियो में आपको शुक्र के दंत से कैसे करते हैं, और शुक्र दंत हो गया, हनुमान सिंह हो गया, और अन्य प्रक्रिया है जिन सिंह माध्यम से कैसे करते हैं, इसके बारे में मेरे को जो गुरु जी के द्वारा प्राप्त जो जानकारी है वो अभी है, वो आप लोगों के समक्ष रखूंगा। अब तक आपने वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।